कंटिन्यू सीरीज सीरीज सेम रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेंज में। और अभी तक मैंने आपको बताया था कि पैरेलल मेथड में यदि लंबी दूरी आपको नापनी है तो लंबी दूरी नापने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप लोग पैरेलल मेथड यूज कर रहे थे। और पैरेलल मेथड में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पैरेलल मेथड में आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू आर्क अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू बेस अपॉन थीटा। मैं डायग्राम पर लिख आता हूं बेसिस अपॉन थीटा। और मैंने लास्ट टॉपिक भी सुना था कि थीटा हमेशा कितना होगा, रेडियन में होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ऑपर्चुनिटी आती है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की। ठीक है ना, चलो भाई कैसे कन्वर्ट होगा वो भी देखो। तो आज चल रहा है डिग्री की शुरुआत से। ठीक है, एक सर्किल लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल लिया, सर्किल की रेडियस आर, रेडियस कितनी है आर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां तक आया तो कितने डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का एंगल है ना, 360 डिग्री का एंगल बना। और यहां से चलने पर, यहां से इस पाथ पर चलने के बाद उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी किसके पेरीमीटर के बराबर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रही, 2πr। यही तो बात हुई। यदि मैं आपका फॉर्मूला लगाऊं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा कितना 360 डिग्री, आर कितना 2πr और रेडियस से आर से आर कटा 2π इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर सबको समझ में आ गया पाई इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल वाली तो समझ में आ गया। पाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब यदि हम बात करें तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। और पाई की वैल्यू हमें पता है पाई अपॉन 180 रेडियन, कितना पाई अपॉन 180 रेडियन। और पाई की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 180। आपको डिवाइड करिए 3.14 करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको मिलेगा 3.14 मिलेगा 1.745 × 10⁻²² रेडियन। आप समझ में आ गई, तो उसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.745 × 10⁻²। तो अब यहां से पहला आपको पॉइंट क्या मिला, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1.745 × 10⁻²² रेडियन, 1.745 × 10⁻²। अब एक नई बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक नई चीज बढ़ाना है, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1.745 × 10⁻²² रेडियन इक्वल टू 60 आर्क मिनट। रखना, बहुत लोग उसको मिनट पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में एनसीईआरटी में तब लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट। ठीक है ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट। तो आपने क्लियर पढ़ लिया कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 × 10⁻²² रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट। तरह आ रहा होगा 1 डिग्री इक्वल टू 180 रेडियन कैसे निकला, यहां से निकाला 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 × 10⁻²² रेडियन, समझ में आ गया होगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट। बहुत ज्यादा समझ में आ गया होगा आप लोग। ठीक है, अब आगे आते हैं तो और आगे कि कितना समझ में आ गया, समझ में आ गया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अभी अभी कर दो अभी। ठीक है ना, चलो अब आते हैं और आगे। 60 हाँ, इसको मैं बॉक्स में पैक कर लेना, इसको रट के रखना है, जरूरत पड़ेगी इसकी कई बार। ठीक है ना, ये आपको मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया, तो कई बार यूज करूंगा, एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक बना रहा हूँ। ठीक है ना, 60 आर मिनट इक्वल टू कितना हुआ, देखना
1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रेडियन, यही तो है जो हमने उत्पन्न कर दिया। तो यहां से 1 आर मिनट इक्वल टू कितना होगा, 1 आर मिनट, 1 आर मिनट। अब इसके बाद सिंबल में जाऊंगा आपको, लेकिन लास्ट में जाऊंगा तो डिटेल में समझो, सिंबल से काम करोगे तो बाद में कंफ्यूज होगा। इसलिए मैं सिंबल सबसे लास्ट पर जाऊंगा, ध्यान रखना, तो लास्ट की वीडियो जरूर देखना। तो 1 आर मिनट इक्वल टू कितना जाएगा, 1.745 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 60, सिंपल सा आपने न्यूटन का लगा दिया 60 रेडियन। और जब इसको डिवाइड करोगे आप, जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन। बात समझ में आ गई, यानी कि 1 आर मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, ठीक है ना। चलो बस, तो अब एक नया स्टेप ऑन लिख सकते हैं, 1 आर मिनट इक्वल टू 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन इक्वल टू। अब आर मिनट में क्या होगा, थोड़ा और का पार्ट होगा, जब घड़ी वाली यूज करेंगे वही क्लॉक वाला यूज करेंगे तो क्या होगा, सेकंड, तो कितना होता है इक्वल टू 60 आर सेकंड। अब इसको भी आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, बिल्कुल सी तरह डबल टिक लगा के इम्पोर्टेंट लगा दी, एक मैंने आपको लगा दिया कि 1 आर मिनट इक्वल टू कितना होता है 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, डिवाइड आप करेंगे घर पे बैठ के आराम से। और क्या होता है, और होता है कि इसके इक्वल 1 आर मिनट इक्वल टू 60 आर सेकंड की आपको होता है, 1 आर मिनट इक्वल टू 60 आर सेकंड दिख रहा होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक तो आपको दे देते मन गया, अब फिर मैं याद लेता हूँ कौन कौन से, इन दो को मैंने अभी इन दो को लिया था 60 आर सेकंड आर मिनट इक्वल टू 1.745 इंटू 10 माइनस 2 रेडियन। अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, हां तो हमने क्या लिखा, 1 आर मिनट इक्वल टू 2.908 इंटू 10 माइनस 4 रेडियन और 60 आर सेकंड। अब मैं दोबारा इन दोनों को ले रहा हूं, जब आपको लिए थे अब इन दोनों को लिया, ठीक है, इन दोनों को ले रहा हूं तो कितना होगा 260 आर सेकंड इक्वल टू 60 आर सेकंड इक्वल टू 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रेडियन, यही तो हुआ, ठीक है ना। अब यदि मैं 60 का डिवाइड करूं तो यहां आएगा 1 आर सेकंड, कितना आएगा 1 आर सेकंड इक्वल टू 2.908 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 60, क्योंकि यूनिट लगा दिया आपने। और यदि इसे डिवाइड करेंगे यहां से तो कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आपका जो आएगा कितना आएगा 4.846 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन। तो अब आपने एक नई की और कहने चलाई, 1 आर सेकंड इक्वल टू 4.846 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन, ठीक है ना। तो अब आपको ये भी आपको याद रहना है, ये भी आपको मैं इंपोर्टेंट लगा दिया, ठीक। अब तीन चीज याद रखनी है, पहली क्या, 1 डिग्री इक्वल टू 5.180 रेडियन, 1.745 रेडियन इक्वल टू 60 आर, एक तो आपको ये लेसन याद रखना पड़ेगा। दूसरा लेसन आपको याद रखना पड़ेगा 1 आर मिनट इक्वल टू 2.908 रेडियन इक्वल टू 60 आर सेकंड। इसी तरह तीसरा आपको लेसन याद रखना पड़ेगा 1 आर सेकंड इक्वल टू 4.846 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन, ठीक है ना। बहुत से लोग कह रहे थे आर सेकंड और आर मिनट तो मैं कहीं देखे नहीं, बेटा ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 19 पर आपको जो ऑलरेडी मिल जाएंगे, पेज नंबर 19 पर सभी मिल जाएगा कि आर मिनट कैसे कहते हैं आर सेकंड। वास्तव में वो मिनट है, वो शॉर्ट में पढ़ाया हुआ है आपको, उसका पूरा नाम क्या होता है आर मिनट, और पूरा नाम क्या होता है आर सेकंड, ठीक है ना, आर सेकंड, ठीक है ना। अब आते हैं आपको बदलने को चुका हूँ, आपको सिंबल और बताना चाहता हूँ कि मैं सिंबल मत में बात नहीं, आप सिंबल यूज नहीं करेंगे, सबसे बाद में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर्क मिनट, आर्क मिनट यदि आपको 1 आर मिनट आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 ऊपर एक कॉमा, ठीक है ना, वापस में आएगी सिंबल और सिंबल, और दूसरा 1 आर सेकंड लिखना है तो 1 लिख दिया और डबल टिक लगा, डबल कोमा लगा दिया, सिंपल से कोमा, ठीक
एक कॉमा और फिर दो कॉमा, ठीक है ना। यानी कि आर्थ मिनट और आर्थ सेकंड का आपको सिंबल समझ में आ गया। सिंबॉलिक फॉर्म में कहूं तो वन आर्थ मिनट इक्वल टू 60 आर्थ सेकंड होता है। मतलब में आई ना, वन आर्थ इक्वल टू 60 आर्थ सेकंड, ठीक है ना। वन डिग्री इक्वल टू 60, वन डिग्री इक्वल टू 60 आर मिनट, वो आर्थ मिनट आ गया ना। तो सिंबल समझ में आ गया ना कि सिंबल जब कहीं मिनट हो तो ऊपर एक कॉमा लगाना है और जहां कहीं पर भी सेकंड हो वहां पर दो कॉमा लगाना है। आपको कन्वर्ट, अब मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट लेना। यदि मैं आपसे कहूँ कन्वर्ट करना है दो आर सेकंड को रेडियन में, इसको टू आर सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू आर सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू इंटू सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 4.846 इंटू 10^-6 रेडियन, यानी कि दो आर सेकंड इस तरह से आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बात बहुत ही समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।